नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं नीलम यादव अपने YouTube चैनल धृति होम साइंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। चलिए तो आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि कुपोषण से बचाव के लिए सरकार द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर विटामिन ए की कमी से होने वाले अंधेपन को दूर करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए गए थे। यह कार्यक्रम 1970 में चलाया गया था, यानी कि इस कार्यक्रम की स्थापना 1970 में किया गया था और इसका उद्देश्य था कि जो बच्चे विटामिन ए की कमी से ग्रसित हैं उनका इलाज किया जाए, जैसे रतौंधी, कार्निया तथा कंजाइवा का सूख जाना, बिटॉट स्पॉट, किरोटोमलेशिया, ये सभी बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती हैं, जिनके इलाज के लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया था। ठीक है, और सेकंड देखेंगे कि राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइल एक्सिस कार्यक्रम, इसे NNAP के नाम से जाना जाता है और इसे नेशनल न्यूट्रिशन एनेमिया प्रोफाइल एक्सिस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रोग्राम भी 1970 में चलाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था बालकों के लिए पोषण की व्यवस्था करना, जैसे जो 1 से 5 वर्ष के बालक थे उनके लिए और धात्री एवं गर्भवती महिलाओं के लिए ये जो कार्यक्रम है NNAP चलाया गया था। तो इसने इनके देखभाल के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, राष्ट्रीय रक्त अल्पता प्रोफाइल एक्सिस कार्यक्रम। ठीक है, तीसरा राष्ट्रीय कार्यक्रम NIP चलाया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, इसकी भी स्थापना 1970 में किया गया था। इस संगठन को बनाने का मुख्य उद्देश्य था विटामिन ए की कमी को पूरा करना। इस संगठन के अंतर्गत क्या किया जाता था कि विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती थी, दवा नहीं दिया जाता था, विटामिन ए का खुराक पिलाया जाता था 1 से 5 वर्ष के बच्चों को और इसके अंतर्गत 9 खुराक दिया जाता था। इसमें बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता था विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम BNP, बालवाड़ी नेशनल प्रोग्राम। ठीक है, इसकी भी स्थापना 1970 से 71 के बीच की गई थी और इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को कुपोषण से बचाना। ठीक है, तो इसके लिए पूरक आहार प्रदान किए जाते थे और एक जो काम है वो सौंपा गया था आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को एक कार्य सौंपा गया था कि आप बच्चों को पोषण आहार वितरित करेंगे। ठीक है, आज भी ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला है समन्वित बाल विकास योजना, जिसे ICDS के नाम से जाना जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1975 में किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य था पूर्व स्कूलगामी बच्चों के लिए, गर्भवती एवं धात्री माताओं के लिए, 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, इनके पोषण स्तर में सुधार करना एवं बाल मृत्यु दर को कम करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया था। ठीक है, और बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की गई थी। जो भी BCG DPT का टीका लगता है ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, और पूरक आहार की व्यवस्था की गई, स्कूल पूर्व औपचारिक शिक्षा, स्कूल जाने से पहले ही जो आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ होती हैं वो औपचारिक शिक्षा देती हैं। ठीक है, पोषण व स्वास्थ्य की शिक्षा देते हैं, स्वास्थ्य प्रशिक्षण तथा रेफरेंस सर्विस की भी व्यवस्था की गई इस प्रोग्राम के अंतर्गत। अगला है विशेष पोषण आहार कार्यक्रम SNP, यानी कि स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। यह 1970 से 71 के मध्य इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था करना और बाल मृत्यु दर को कम करना। फिर आर्थिक रूप से कमजोर बालकों के लिए ये विशेष रूप से चलाया गया था, जिन बच्चों के पास पैसे नहीं थे कि वो
अपने संतुलित आहार की व्यवस्था कर सके उनके लिए विशेष पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया था। जैसे जो बच्चे झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, गरीबी एवं भूखमरी से तंग है, जिनके पास खाने के लिए दो वक्त की रोटी नहीं है, उनके लिए ये कार्यक्रम चलाया गया था, विशेष पोषाहार कार्यक्रम, ठीक है, 1970 से 71 के मध्य में, ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी। अगला है व्यवहार पोषाहार कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1959 में किया गया था। ANP अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम के नाम से ये जाना जाता है और इसकी स्थापना उड़ीसा राज्य में किया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि ग्रामीण थे उनके पोषण में सुधार करना, ग्रामीणों को जागरूक किया जाता था ताकि वो अपने पोषण में, अपने खान पान में सुधार करें और संतुलित आहार ग्रहण करें, जिससे उनके स्वास्थ्य का जो स्तर है वो ऊपर उठ सके, ठीक है। तो जो व्यवहार पोषाहार कार्यक्रम है वो उड़ीसा राज्य में सबसे पहले इसकी स्थापना की गई थी और ये ग्रामीणों के पोषण में सुधार करने के लिए किया गया था लागू। अगला है मिड डे मील कार्यक्रम, MDM, जिसे स्कूल मध्यांतर भोजन के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना PB नरसिम्हा राव ने 1961 में किया था, ठीक है। यह 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि स्कूलों में बच्चों की जो उपस्थिति है उसमें सुधार किया जा सके, उनको शिक्षित करने के लिए, ठीक है। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए स्कूल मध्यांतर भोजन की शुरुआत किया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल में एडमिशन तो ले लेते थे लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो पढ़ाई कर सके, तो इसलिए उनके माता पिता उनसे बाल मजदूरी करवाते थे। तो वो घर का भरण पोषण करने के लिए स्कूल में एडमिशन लेने के बाद भी शिक्षा ग्रहण करने नहीं जाते थे। तो इसके लिए PB नरसिम्हा राव ने क्या किया, मध्यांतर भोजन का व्यवस्था किया 1961 में, और उन्होंने उसकी उपस्थिति में सुधार लाना, और जो आज भी ये कार्यक्रम चल रहा है सरकारी विद्यालयों में मध्यांतर भोजन की व्यवस्था है, बनी हुई है,